लगता है ये घर उन्हीं का है। हाँ हाँ चल चलो चलो। भाभी ये क्या, आप शादी से पहले ही बिना बताए आ गई है। कोई बात नहीं, ए कुर्सी ला, अरे वो टेबल ला, अरे मैं तो कहता हूँ खाटी लेकर आ जा। अरे कुछ खाने पीने के लिए भी लेकर आ, कोई सुनता ही नहीं है। कोई बात नहीं, आप एक काम करो अंदर ही चलो। लेकिन मालिक और मालकिन तो कार्ड मारने के लिए बाहर गए हैं। ओह ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। ऐसे कैसे जा सकती हैं आप, मैं हूँ ना उनका नौकर नंदू, सबका बंदू। ए आप भी आओ ना साहब, आइए आइए जल्दी आइए आइए, आइए आइए अंदर आइए आइए, यह राजा बाबू का घर, आइए 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 आइए, अरे आइए आइए। ये कौन है? ये है राजा बाबू के दादाजी और दादी जी। आइए मैं आपको और भी तस्वीरें दिखाता हूँ, आइए आइए। आपको होने वाले पति की तस्वीरें, ये अमिताभ बच्चन दीवार वाले पोज में, ये धर्मेंद्र धर्मवीर वाले पोज में, ये राज कपूर जी 420 जी, और ये जतेंद्र हिम्मत वाला। लगता है फिल्मों का बहुत शौक है इन्हें। इतना ही नहीं, जब अदालत फिल्म लगी थी ना, उसी फिल्म के अमिताभ बच्चन के पोज में एक महीने तक हमारे राजा बाबू गांव भर में घूमते रहे थे। अंदर की बात बताऊं, हमारे राजा बाबू शादी के बाद आपको श्रीदेवी के पोज में देखना चाहते हैं। चांदनी में जैसे श्रीदेवी ने कपड़े पहने थे ना, वैसे ही कपड़े आपके लिए खरीदने वो बाजार गए हैं। आप कहो तो मैं आपके लिए दर्जी बुलाऊं। तस्वीरें ये भी हमारे राजा बाबू की है। आइए नजदीक से देखिए, ये देखिए वकील के पोज में है, ये देखिए डॉक्टर के पोज में, ये देखिए इंस्पेक्टर के पोज में। बस जहाज चलाने वाले कप्तान की तस्वीर बाकी है, खिंच गई है, दो एक रोज में लग। ये आप सोच क्या रही हैं? राजा बाबू कहाँ तक पड़े हैं? पांचवी में पांच बार फेल। क्यों रे नंदू, हमारे होने वाली बहू पहली बार हमारे घर आई और तू हमें बताने तक नहीं आया। क्या है ना बेटी, आज शुभ दिन है ना, इसीलिए मैं और तेरे ससुर जी गांव में न्योता देने निकले थे। देख तू बस अब इतने ही कार्ड रह गए हैं, और इन्हें बचाकर ही रखना, किसी को देने की कोई जरूरत नहीं। ये तुम क्या कह रही हो बहू? बहू कौन बहू, किसकी बहू? मैं तुम्हारी कोई बहू बहू नहीं हूँ। क्या बात है बेटी, क्या हो गया तुम्हें, किसी ने कुछ कह दिया तुम्हें? किसी ने कुछ नहीं कहा, मेरी किस्मत अच्छी है इसीलिए सच्चाई अपने आप मेरे सामने आ गई। आपके पांचवी क्लास फेल अनपढ़ गवार बेवकूफ बेटे के साथ मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्या मेरे बेटे को बेवकूफ कहा तूने? अच्छा छोड़ो, चार क्लास क्या पास कर ली, मेरे बेटे के बारे में कुछ भी कहेगी? सुना आपने, ये कहती क्या है मेरे बेटे को, अनपढ़ गवार है मेरा बेटा, क्या कहना क्या है तुझे? अरे छोड़ो, ऐसे थोड़ी होता है, शादी के कार्ड बन गए, लोगों को पता है कि शादी होने वाली है, कभी शादी के लिए हाँ कहती कभी ना कहती, ये कोई बात है? अरे छोड़ो ना, क्या समझती क्या है तू अपने आप को? बेटी ए बेटी, सबसे पहले तो मैं अपनी पत्नी की वजह से तुझसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ बेटी, और दूसरी बात ये कि वो थोड़ी सी पागल है, अपने बेटे के खिलाफ किसी के मुंह से एक शब्द नहीं सुन सकती। बेटी जाने से पहले एक बात सुन ले, अपने आप को मेरी जगह पर रख के सोच, मैं इस गांव का एक इज्जतदार आदमी, अगर ये शादी नहीं हुई तो मैं गांव में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा, मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। मैं हाथ जोड़ता हूँ बेटी, अपना फैसला बदल दे बेटी। आपकी इज्जत के लिए मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती हूँ, और अगर आपको अपनी इज्जत का इतना ही ख्याल था तो शादी तय करते वक्त आप अपने अंगूठे छाप बेटे की असली तस्वीर लाते, वकील के लिबास में खींची हुई तस्वीर लाने की क्या जरूरत थी हमें धोखा देने के लिए? नहीं बेटी, इतना घमंड, तेरी इतनी हिम्मत कि तू शादी के कार्ड का टुकड़े टुकड़े करके मेरे पति के मुंह पे दे मारे? आप इसकी बात का सुनिए, देखिए
अपना दिल छोटा मत कीजिए। वो तो बच्ची है, उसे कुछ पता नहीं वो क्या कर रही है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? सुनिए, आप